मैं भी जेल में चली जाऊँ, कोई आफत ना रही मेरे जैसे इनकी और इनकी आवाज उठेगी, कोई आफत ना रही। लेकिन बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यह चीज है उन्हें बताओ कि कहीं तो तुम ये कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं तुम मेरी आवाज दबाने को इन्हें भेज रहे हो, इन्हें परेशान कर रहे हो, वे भी बेचारी परेशान होगी मेरे दोस्तों आके। ये चीज उन्हें भी तो बताओ आप जाके। क्या कुछ लग रहा है डर आपको? मेरे का डर है मेरे को फांसी देंगे मेरे को, यहाँ कोई मैंने यहाँ विस्फोट कर दिया, कोई मैंने यहाँ नुकसान कर दिया, क्या डर लगेगा मुझे? डरेंगे ये डरेंगे मैं क्या डरूं? लेकिन मैम बहुत सारे जो अभी ऐसे लोग जेल में हैं, जेल में तो मुझे भी जेल में भेजेंगे, मैं तो राजी हूँ भेज दे, क्योंकि उन्हें पता हुआ छोरी घनी आ रही और उसकी आवाज उठ रही है, आवाज बुलंद हो रही है, और युवाओं की आवाज उठेगी, महिलाओं की उठेगी, मैं तो राजी हूँ भेज दे, कोई दिक्कत ना। अरे मेरा जूता भी चुनाव ना लड़ाई वाला, जो नीचे को लगा के देखो, नीचे को देखो, मेरा जूता भी चुनाव ना लड़ा। लेकिन आने वाले कल में अगर युवाओं को मेरी जरूरत हुई, युवाओं को मेरी जरूरत हुई, महिलाओं को मेरी जरूरत हुई और मेरे देश के किसानों को मेरी जरूरत हुई, तो मैं बिल्कुल खड़ी रहूंगी इनके साथ में। मैं कहा कि जूता चुनाव लड़ाई हुआ देख ले, और यह वीडियो फीड कर लिए, अरे तू भैया मेरी वीडियो फीड कर लिए, मैं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे हम बता, क्योंकि इनके तल में नहीं छटवाऊंगी किसी के भी। और बताओ एक बात बता भैया, मेरे पढ़ाई भी करी ठीक, लिखाई भी करी, घर भी चलाया, बहन बेटी के ब्याह भी कर रखे हैं, मैंने अपनी बहन की शादी कर रखी है, बताऊं सारे तजुर्बे करके आ रही हूँ, दलबजाई करके ना आ रही हूँ, और दूसरी बात नौकरी भी कर रखी है, आज मेरी मम्मी नौकरी कर रही, टाइम मिलो आगे। दूसरी बात मेन किसान उनका मुद्दा है, इसलिए आए हैं, ये ना दे मैं ध्यान कौन देगा, ये नहीं तो देना चाहिए ध्यान, या हमारे काय को इतनी संख्या जुड़वाना चाह रहे हैं, काले कानून रद्द करें, सब अपने घर चले जाएंगे, अरे सब चले जाएंगे अपने घर। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को और जितने भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे दुख को और कष्ट को नज़र में रखते हुए ये हमारे प्रति जो बयान दिया है बड़ा अच्छा लगा, और इन फ्यूचर आने वाले कल में उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ही वो सारे काम करें। क्या बयान दिया, किससे सहमत है आप? हाँ, उन्होंने यही कहा है कि जो किसानों के साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो इस बिल को पास करवाने में जितने भी लोग थे उन्हें दोबारा से बुलाओ, दोबारा से बात करो, और बाकी इसको फिलहाल पेंडिंग कर दो, आप इनको शांत करो पहले किसानों को, बाकी हम पेंडिंग का कहा मतलब है, मतलब होल्ड पर रखने हाँ, ना। हाँ, लेकिन नहीं हम क्यों रखेंगे होल्ड पर भैया, होल्ड पर रखने को आ रहे हैं यहाँ, यहाँ मतलब कोर्ट का मामला कुछ आई ना, कोर्ट का तो इन्होंने करा सिस्टम, कोर्ट की आप तारीफ कर रहे हो, कोर्ट ये भी तो कर भाई, कोर्ट की तारीफ इस बात को ना करें, उन्होंने कही किसान को परेशान करो और कोर्ट की बुराई करें, नहीं नहीं उसने परेशान के लिए नहीं कहा, कोर्ट कहा कि हल निकाले, हल निकाला और जो लोग बैठे हल निकाले और उन्हें टाइट करा, फटकार लगाई कि जो तुम किसानों के साथ रवैया बरत रहे हो वो गलत है, तो यू बढ़ाई की बात ना, 17 दिसंबर को भी कही है, इनकी समझ में ना आ रही, अब कौन सा ज्ञान का इंजेक्शन लगा मैं इनके जो इनकी ना आ रही, तो हम जो काम हमारे लिए सही होगा हम तो बाकी तारीफ ही करेंगे, इनकी तरह तो है ना एहसान फरामोश, इनकी तरह ना जिनका नमक खा मैं उनकी मट्टी पलित करें, भैया जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, हमारे बड़े हमें आदेश करेंगे, उस आधार पर चलेंगे, कमेटी का काम मतलब हम काले कानून ये रद्द करवा के जाएंगे, हमारा तो कर रहे हैं किसानन का तो कर रहे हैं, हमें तो यही परेशानी है और ना ज्यादा कुछ परेशानी, कहां कर रहे हैं क्यों, ये देश का किसान परेशान है, यू उनकी परेशानी नहीं है, यू वकील साहब की परेशानी नहीं है, जो देश का किसान परेशान है इतने दिन से यहाँ पड़ा, यू इनकी परेशानी ना, उन्हें यू परेशानी हमारी ना दिख रही, हमें तो अपनी दिख रही है, तो हम तो लड़ते रहेंगे, अरे किसान का गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ी ये करेंगे, हमें अधिकार ना हुआ 26 जनवरी की परेड में जाने को, कौन सा तोप ले लेके जा रहे हैं, शाही सवारी देश के किसानों की वाह लेके जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जावेंगे, दिक्कत क्या, जाने को कोई मना थोड़ा मना ना कर रहे था, कितने क्यों काय को बैरिकेडेड लगा रहे हैं, काय को पक्ष रख रहे हैं, क्या यू परेशानी करे, परेशान क्यों करते, आराम से जावेंगे परेड में शामिल होवेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, मेरे बाबा भी जाएंगे, बाबा जाओगे, बिल्कुल जाओगे, कैप्चर लेकर जाओगे, जवान जय किसान का जो नारा है, जवान काय को ना जा सके, काय को ना जा सके, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर जाएंगे, इनकी तरह थोड़ी जाएंगे हवाई जहाज में या उसमें रथ में जो 4-4, 6-6 करोड़ के इन्होंने बनवाए, हम थोड़ी जाएंगे रथ में, तो नजरे हमें हमारी भी, एक मिनट देश में पूरे विदेशों में इस बात के चर्चे होंगे कि देश का किसान जिसने दिल्ली भी ना देखी और वो 26 जनवरी की परेड में शामिल होवेगा तो इतिहास लिखा जाएगा, पॉजिटिविटी क्यों नहीं सोच रहे आप, मैडम आप खुशी के लिए नहीं जा रहे, और क्या गम फैलाने जा रहे हैं, हम अपना विरोध जताने जा रहे, विरोध का जताते हैं, आराम से जाके शामिल होने, ये बात आप कह रहे हो, हम तो आराम से शामिल होने जाएंगे, हमारे लिए तो सुख खुशी की बात है, शामिल नहीं हो सकते हम, कोई बात ना, हम सरकार भी, आप भी और सरकार दोनों होंगे, अकेले हम तो ना होंगे, कोई बात ना, तो अकेले थोड़ी होंगे हम, और दूसरी बात जो इतनी शहादत हुई है उनकी भी जिम्मेदारी इनसे ली जाएगी, जवाबदेही इनकी बने, और जो खट्टर साहब ने हरियाणा में उर्स्त बुर्स्त करा रही हूँ
यो हाईवे जो करो सरकार की प्रॉपर्टी खराब करिए, इनसे भी लिया जाएगा जवाब, या सारे जवाब हमसे ही लोगे पत्रकार महोदय, सारे हमसे ही लोगे। हरियाणा की जो घटना हुई कल की आप कैसे देख रहे हैं? भैया मैं तो ऐसा देख रही हूँ, ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आदमी बढ़ा के उठ पुट करवाई, किसान को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो यहाँ पड़ा बॉर्डर पे, वो किसान नहीं थे भैया, मुझे तो वे हड़कंप मचाने वाले किसान नहीं थे, उनका विरोध करने वाले किसान होंगे, उनका नुकसान करने वाले किसान ना, किसान किसी को नुकसान नहीं करता, देश को नुकसान वे खुद करवा रहे हैं जान के, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने तोड़फोड़ करी, उन्होंने क्या कर दिया बीच में आदमी घुसा दे, जैसे चार दिन पहले यहाँ आदमी मिले, ये कुछ घुसा में बीच में तोड़फोड़ ना करता किसान किसी को, हजारों आदमी घुसा दिए, हजारों ना तोड़फोड़ चार पांच छह करे, फिर पुलिस करने लगे उल्टे काम, डंडे बजाने लगे, दिखा रहे किसानों ने कर दिया, किसानों ने कर दिया, किसान का करता, किसान किसी को करे करे नुकसान, सारे किसान यहाँ पड़े, एक घर में से एक परिवार में से किसी के एक बेटा भी है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, वो अपने घर को चलाता है, नौकरी को चलाता है, कहीं ना कहीं वो उसके मद्देनजर रखता है कि मेरी घर में बड़ी बहन भी है, मेरे को शादी करनी है छोटी की बड़ी की, इस चीज को देख के आदमी चुप भी हो जावे, तो इन्हें ना दिखे वे बुजुर्ग, इन्हें ना दिखे, अरे भैया ऐसा इन्होंने क्या करा, सिस्टम यूं ही तो खराब करा, उन्हें सिर्फ माइंड उनका फ्रेश करे जा रहे हैं, माइंड फ्रेश करे जा रहे हैं, अभी तो आंसू गोले छोड़े वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक, उन्हें पता हमारे बाबा चाचा था इतने हल्के ना, जो इन आंसू के गोले इनसे डर जाएंगे उल्टे चले जाएंगे, जब उन्हें दिखेगी कि इनकी जान पे बनाई सारे आ जाएंगे यहीं, बताओ ना मजबूत है हम, आंसू गोले से हमारे कहां बता गई, दो चार घंटा रोलेंगे बैठ के घर में, कुछ दुख हो जा शोक हो जा जब रोले, एक बात तो बताओ तुम, सुप्रीम कोर्ट ने नु कह दी बिल्कुल के ये बिल जो है लागू कर दो किसान पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे होल्ड पे डाल देते, अगर होल्ड पे का मतलब है ये केंद्र सरकार का मामला, अच्छा तो हमने दिए या मैं केंद्र सरकार का मामला, कोर्ट का क्या मामला, कोर्ट में तो ये घसीट रहे हमें, केंद्र सरकार का मामला हम थोड़ी जा रहे, कोर्ट में तो गन्ने का पेमेंट का बात चल रही वो भी ना ही, कोर्ट में तो 14 महीने की पेमेंट ना वो भी चल रही, वो भी हुई पास, 14 महीने का पुराना पेमेंट भी ना आया, इन्होंने मानी वो बात, हम कैसे ना मान रहे, हम तो सभ्यता से आंदोलन कर रहे, और कोर्ट ने भी ये बात कही, आंदोलन करना हर व्यक्ति का आधार है, उसका अधिकार है, कही है कोर्ट ने, किसी को दिक्कत हो रही, किसको दिक्कत हो रही हमारी वजह से, हमारी वजह से किसको दिक्कत हो रही है आप बताओ, मेरी वजह से किसे हो रही है, मेरी वजह से किसे दिक्कत हो रही है आप बताओ, रोड किसने जाम कर रखी है, इन्होंने कर रखी है, आप बैरिकेडेड देखना हमारे नहीं है, बुग्गी झोटे तंबू हमारे पड़े, एक तरफ ही तो पड़े हैं, एक तरफ ही तो पड़े हैं, तो एक तरफ का बंद है, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, जिसको भी परेशानी हो रही है हमारी वजह से, हम सभी पूरे भारत के किसान सारी जनता की तरफ से माफी मांगना चाहेंगे, भाई थोड़ी बहुत परेशानी निभालो, आने वाले कल में गुलामी करनी ना पड़े, जमीन एक इंच ना बचेगी तो तुम क्या करोगे भैया, मैंने कुछ एक मिनट मैंने कुछ स्पेशल मन बना लियो, कुछ आफत आ गई मेरे जाने पे, इतना बवाल का गोर हो, दुनिया जावे दिल्ली में, मैं भी चली जाऊंगी 26 जनवरी का, आफत आ गई ऐसी, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन सारे किसानों की परमिशन कार्ड भिजवा दे, मैं अपने आंसू सारे ले जाएंगे, तो मैं क्या करूँ आवे, तो या मैं मेरी गलती है मेरे पास आवे, यू भी मेरे पे मुकदमा बना की या चोरी के बाद ही पुलिस क्यों आ रही है, अब वो चीज तुम देखो ना, वो क्यों आ रहे मेरे पास, मेरी आवाज को दबाने आ रहे हैं, मेरे को डराने आ रहे हैं, या अपनी ड्यूटी करने आ रहे हैं, या किसी का प्रेशर है उस चीज को वो निभा रहे हैं, वो जाने मैं क्या कहूँ, निशाना बना रहे हैं, क्यों ज्यादा बोलने लगी है लौंडिया, या की आवाज है चुप करो, वे मेरे से तो स्पेशल उन्होंने कल दो सवाल कहे कि शांत कराओ, पहले इनको शांत कराओ, किरण मैडम थी इंस्पेक्टर साहब, तो मैंने कहा जी मैडम बताइए, देखिए हम भी किसान के बच्चे हैं, मैंने कहा हमें पता हो रवैया बस अलग हो रहा, और कोई बात ना, आपको कोई परेशानी हो मेरा नंबर ले लो, मुझे फोन कर लेना, मुझे यहाँ से फोन गया था, हमने देखा उसमें, बाकी उसके पहले का जो वीडियो था सबने देखा, मुझे बताने की जरूरत ना, लेकिन जो उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ मैं वो बताऊंगा, उन्होंने कहा मेरा नंबर ले लो, मेरे से बात कर लेना कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो मैडम कह रही कंप्लेन है, हाँ उन, अब ये चीज आप दिखाओ ना, मैं थोड़ी बताऊँ सारी बात, हो सके दबाव हो उन पे, आपने पूछा नहीं, पूछा नहीं मैंने, आपने वीडियो नहीं देखी, मैंने पूछा मैंने क्या कंप्लेंट है, कंप्लेंट बताओ, क्या आपके पास अधिकार है आप मुझे रोक रहे, बोला नहीं मैंने, आपने नहीं देखी वो वीडियो, आप साइड में चले गए ना, साइड में बाद में कहीं वीडियो खोल के भी दिखाऊं, अगर मैंने बोला की हो, अगर मैंने उनसे पूछा हो कि क्या कंप्लेंट है कारण बताइए, तो क्या बताया उन्होंने, मैडम बोले उन्होंने तो नुकही, मैं तो सहयोग करना आ रही, बाद में उन्होंने नुकही बाद में।